हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? सो बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एंड द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिसिटी। आप सबको पता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे इज नोन एज द 8th वंडर ऑफ अवर सिविलाइज्ड कंट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जो लाइफ है वो हम मतलब इतने ज्यादा डिपेंड है कि हम एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं कि विदाउट आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम बहुत सारे तरीकों से करते हैं, जैसे कि हम ब्रिज वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जनरेटर से, हीट से भी। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। सो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो आया कहाँ से है? इलेक्ट्रिसिटी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है, वहां से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी प्रोड्यूस हुई थी और एक तरह से वहां से डिराइव हुई थी। और इस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग जो था वो क्या था? एम्बर। एम्बर जो होता है वो एक तरह से येलोइश रेजिन होता है। उस एम्बर को जब रब किया गया किसी स्ट्रो के साथ, तो वो एम्बर जो था ना उसमें क्या था, वो उसने कुछ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को दिखाया। ठीक है, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो होता वहां से हुआ। और उसके बाद जो ड्यूफे थे उन्होंने क्या किया, ग्लास रोड को रब किया सिल्क के साथ। तो उसने क्या देखा कि जो कि ग्लास रोड है ना उसके ऊपर क्या इकट्ठा हो रहे हैं, चार्जेस आ रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो आपके जो फे थे उन्होंने क्या कहा कि भी दो तरह के चार्जेस होते हैं आपके। ठीक है, और लेटर ऑन उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने इन दो चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नाम दिया। ओके, उन्होंने क्या किया, फर्दर एक्सपेरिमेंट होते रहे और ग्लास रोड को उन्होंने सिल्क के साथ रब करके देखा। तो ग्लास रोड पे उन्होंने देखा कि वहां पे पॉजिटिव चार्जेस जो थे वो आ रहे थे, और जो एबोनाइट की रोड थी उसे किसी फर के साथ, ठीक है, वो रब किया तो वो जो था एबोनाइट रोड उस पर नेगेटिव चार्जेस जो थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमारे पास हिस्ट्री है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो जो हमारा टॉपिक जो शुरू होता है वो शुरू होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर वो आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका करंट? जैसे कि बेटा आपने पढ़ा था जो 9th स्टैंडर्ड में थे आप, कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ एक जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है वो क्या होती है, आपकी स्पीड होती है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आपका जो वाटर है वो रन करता है तो हम वाटर करंट कहते हैं, एयर है, एयर आपकी फ्लो कर मतलब हम विंड कहते हैं जो फ्लो आपकी मूविंग एयर है उसे। ठीक है, सेम ऐसे ही जब चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, मान लो कि ये कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, ठीक है, इसमें से जब आपके चार्जेस फ्लो करते हैं और कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक होती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जहां पे चार्जेस आपके मूव नहीं करते, चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, और सेकंड होती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे आपके चार्जेस क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। और जहां पे चार्जेस आपके मूव करते हैं वहीं पे आपका क्या बनता है, करंट बनता है। और यही हमारा डिस्कशन जो टॉपिक है वो है इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई इज अ सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज के लिए सिंबल होता है आपका क्यू अपॉन टाइम के लिए टी। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चार्ज अगर हम लिखना हो तो क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल होते हैं इसके। ठीक है, मतलब कितना टाइम में कितना करंट चार्जेस आपके कितने फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम में दिए हुए एरिया में से, यानी गिवन एरिया, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, और टाइम की क्या होती है यूनिट,
ये ऐसा यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं आपकी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग करंट की यूनिट एम्पीयर होती है, चार्ज की कूलम, और टाइम की सेकंड होती है। वैसे तो आवर भी होती है, मिनट भी होती है, लेकिन जो ऐसा यूनिट होती है इसकी टाइम की, वो क्या होती है, सेकंड होती है बेटा। तो इससे आगे क्या है हमारा कि हमने करंट पढ़ा है, ठीक है, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एक बार। अगर किसी भी सर्किट, हम सर्किट बनाएंगे, ठीक है, एक सर्किट बनाएंगे जिसमें हमने क्या लगाई है, एक सेल लगाई है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी बल्ब लगा लिया हमारा। देखो ये वाला हमारे पास हमने क्या लगाया है, ये मैं बताती हूँ आपको क्या है। ये हमने एक की लगाई है, ये हमारी की है, ठीक है, ये हमारा बल्ब है, ये हमने क्या बना लिया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां पे क्या है, ये हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि एम्पियर की, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्किट है, मान लो कि इसमें जो करंट आपका फ्लो कर रहा है ना, वो आपका 1 एम्पियर कब होता है, जब वहां पे जो चार्जेस हैं वो 1 कूलम, मींस इफ 1 कूलम चार्जेस फ्लोइंग इन ए गिवन एरिया इन 1 सेकेंड इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। आप डेफिनेशन किस तरह से लिखोगे, करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके किसी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी एम्पियर की, 1 एम्पियर की, ठीक है। इस तरह से 1 कूलम की डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप, द 1 कूलम इज द चार्जेस फ्लोइंग इन ए सर्किट इन विच द करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, ओके बेटा। तो इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। फिर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब एक कंटिन्यूअस बिल्कुल पाथ में फ्लो करता है आपका करंट, तो जो क्लोज जो सर्किट है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मान लो कि हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो हमने कि यहाँ पे क्या कर दी, ओपन कर दी, ठीक है, स्विच ऑफ हो गया हमारा, तो हमारे पास सब कुछ जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सारे बंद हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो वो जो करंट का जो पाथ है वो क्लोज होना जरूरी है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए वर्क करने के लिए, ओके। अब करंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेजर कौन करता है करंट को, करंट मेजरिंग जो डिवाइस होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एमीटर। और इस एमीटर का सिंबल क्या होता है, ए, जो हमने यहां पे लगाया है। और किसी भी सर्किट के अंदर जो एमीटर है वो हमेशा किस में लगता है, सीरीज में। सीरीज मतलब यहां से कोई और ज्वाइन नहीं है, ठीक है, सीधा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास पूरा सर्किट किसमें है, सीरीज में है, एक ही वायर से जोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो एमीटर को किस में रखा जाता है, हमेशा सीरीज में रखा जाता है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, हमने यूनिट्स पढ़ ली इसकी क्या होती है, ऐसा यूनिट, ठीक है, सर्किट के बारे में पढ़ लिया, एमीटर के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा रहता है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, तो हमें इसको समझना भी है। देखो जब हमारे पास करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, उस टाइम पे हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरीज नहीं हुई थी, तो बाय कन्वेंशन हम मानते हैं, कन्वेंशनली जो हम पुराने समय से मानते आ रहे हैं, ठीक है, कन्वेंशनली डायरेक्शन जो होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी क्या होती है, जहां पे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, ये हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन किसकी है, करंट की। या फिर मान लो कि जो नेगेटिव चार्जेस है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन को अपोजिट भी कहा जाता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस,
इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जैसे कि यहाँ से हमारे पास सेल है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला, ठीक है, तो करंट भी हमारे पास साथ साथ जाएगा और इस तरह से हमारा करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पे, इस तरह से हमारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है बेटा। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो जो साथ साथ होती है जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके। तो ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं। इसके बाद हमारे पास एक जो न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड, सबसे पहले एक फॉर्मूला है जैसे कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, उस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये था हमारे पास। तो मान लीजिए किसी भी सर्किट है उसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मीन्स 20 कूलम जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो मान लो 20 कूलम है, और मान लो कि 10 जो मिनट है, 10 मिनट्स के लिए वो चार्जेस जो इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे हैं, तो बताइए कि उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना होगा सर्किट के अंदर। तो वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे टी किसमें होता है, सेकेंड में होता है। तो यहाँ पे आपका आई कितना आ जाएगा, क्यू है आपका 20 कूलम। आप यूनिट्स को हमेशा साथ साथ लिखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो उसमें। और 10 मिनट्स है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, तो हम 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने सेकंड आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 1/3 × 1/10 लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, कूलम पर सेकंड, ठीक है। और कूलम पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 हमारे पास कितना होता है, 0.3 × 10⁻¹, ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.03 करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पीयर। तो इतना करंट आप उसमें से फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये था सिंपल, इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, या फिर आपको करंट दे देगा, आपको टाइम दे देगा, और आपके चार्जेस कितने फ्लो कर रहे हैं आपसे वो पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका ये बहुत ही अच्छी जो वो है, ये अच्छा टॉपिक है ये वाला, कि प्रॉपर्टीज जो होती है आपकी करंट की वो क्या क्या होती है, या चार्जेस की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि चार्ज जो होते हैं आपके वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड। देखो हर एक जो लाइन है, हर एक जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है। क्वांटाइज का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल होना किसी चीज का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग, मीन्स q इज इक्वल टू n टाइम्स e होता है। e क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹ कूलम। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये n जो है ये स्टैंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर चार्ज आपका कितना दे रखा है, 1 कूलम, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो पुट करो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई ई। तो क्यू कितना है, 1 कूलम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹ कूलम। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.25 × 10⁻¹⁸। इतने नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं आपके, ठीक है, ये आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की। सेकंड होती है आपकी, जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं आप, कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस यानी कि जो सेम चार्जेस होते हैं आपके, लाइक चार्जेस क्या करेंगे आपके, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है, मान लो कि सर्किट के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, Q1 मान लो 2 कूलम है, Q2 मान लो 4 कूलम है, तो टोटल चार्ज होगा सर्किट के अंदर वो हो जाएगा 2+4 यानी कि 6 कूलम। मीन्स चार्ज क्या होते हैं आपके, एडिटिव चार्ज जो होते हैं आपके, कैसे होते हैं, एडिटिव होते हैं। चार्ज को हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं वैसे ही चार्जेस की ये सारी प्रॉपर्टी है। चार्ज क्वांटाइज होते हैं, चार्जेस कभी भी कंजर्व होते हैं यानी कि चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होते हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और जो डोनेट करता है चार्जेस को, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और जो गेन करता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं। तो ये सारी चार्जेस की प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतना ही है, डायग्राम मैंने बता दिया आपको, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतना ही, आपको हर एक चीज को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।